ओके सो हाय निखिल, वेलकम ऑन यूरपीडिया। ओके थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। निखिल, आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू फॉर योर सिलेक्शन एज अ लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक इन हरियाणा पब्लिक सर्विस मिशन, एंड यू आर सिलेक्टेड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी, राइट? यस सर, थैंक यू सर। ओके निखिल, आई वांट टू इंटरेक्ट विद यू, और आपकी आपके साथ जो इंटरेक्शन होगा इससे बहुत बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स को। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऐसी अच्छी जॉब्स के लिए एस्पायर करते हैं, और आपकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आता है वो उनके लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट होता है, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसका जो मेन पर्पस है पूरी इंटरेक्शन का, वो उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट, उनको हेल्प करना है जो आपको सुनेंगे। सो मैं स्टार्ट करता हूँ आपकी बैकग्राउंड से। निखिल, आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं कि आप कहाँ से हैं, आप अपना छोटा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसके बारे में बताएं, कौन से कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद आपने क्या किया। ओके सर, बिफोर आई स्टार्ट सर, आई मस्ट थैंक एक्चुअली द इंटायर टीम ऑफ योर पीडिया, बिकॉज सर जितना क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किए टाइम पे, और सर स्पेशली द कंसाइज नोट जो इंटरव्यू गाइडेंस के टाइम पे प्रोवाइड किए, वो बहुत हेल्पफुल था। थैंक यू। और सर मैं सर बेसिकली उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट सर अंबेडकर नगर से हूँ। मेरा होम ओके टाउन सर, हाँ सर, मेरा विलेज का नाम सर गेरवा मरोचा है। सो मेरा स्कूलिंग सर वहीं से ही हुआ है। तो अप टू क्लास 12 सर मैं SN इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ, अंबेडकर नगर में ही। उसके बाद फिर सर NIET ग्रेटर नोएडा से फिर मैं इंजीनियरिंग करने के लिए चला गया। एंड इन 2017 सर मैं पास आउट हुआ इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर। उसके बाद सर मैं 1 साल प्रिपेयर किया गेट NIES एग्जाम के लिए। तो उसके बाद फिर सर 2018 में आई गॉट IIT BHU फॉर मास्टर्स एंड अदर IITs ऑल्सो सर। सो आई डिसाइडेड सर IIT BHU बिकॉज इट्स वेरी नियर टू माई होम टाउन एंड मशीन डिजाइन स्पेशलाइजेशन वॉज देयर, सो आई वॉज हैप्पी विद दैट। सो मास्टर्स सर करने के बाद सर आई गॉट कैंपस प्लेस्ड इन अ टाटा ग्रुप कंपनी। सो करंटली आई एम वर्किंग देयर सर। तो अभी आप टाटाज के साथ काम कर रहे हैं, राइट निखिल? यस सर, अच्छा, तो यस सर टाटाज में किस प्रोफाइल पे हैं आपका, कहाँ पे है आपका ये जॉब प्रोफाइल अभी? सर बेसिकली सर आई एम वर्किंग एज अ सीनियर इंजीनियर इन स्टील एंड मेटल बिजनेस यूनिट ओके गुड। तो एंड ये सर कब ज्वाइन हुआ था सिंस आपका? लास्ट 20 वन यस ईयर सर सर लास्ट ईयर जुलाई में आई ज्वाइन। यस सर लास्ट जुलाई में। सो इट्स काइंड ऑफ सर 1.5 इयर्स। तो ये आपका प्लेसमेंट में जॉब लगा था निखिल? यस सर सर प्लेसमेंट सर अभी तो बहुत अच्छा हो रहा है IITs में। सो आई गॉट प्लेस्ड सर। मेरा बैच में जितने भी लोग थे सबका ऑलमोस्ट अच्छा अच्छा जगह प्लेसमेंट हो गया। आइदर दे गॉट सम PSU, सम आर इन गवर्नमेंट जॉब, सम आर प्लेस्ड इन अ वेरी बिग एमएनसी सर। इनफैक्ट आपने अब ये पॉइंट रेज किए, तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा इसके बारे में कि नॉर्मली स्टूडेंट एमटेक को इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाहता या ये बोलता है कि साहब वहां प्लेसमेंट नहीं होगा, और आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। तो थ्रू यू आई वांट टू नो कि निखिल कैसा होता, प्लेसमेंट का क्या सिचुएशंस है, IIT के अंदर कोई बच्चा जाए और सोचे कि साहब मेरे को प्लेसमेंट ही लेना है तो उसको मिल जाएगा, वो यस जिसमें सर एफर्ट लगेगा तो क्या ट्रबल है उसको? सर डेफिनेटली सर प्लेसमेंट तो बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब सर अभी मशीन डिजाइन में मेरा बैच में सर 12 पीपल थे सर, 12 स्टूडेंट्स। और सर मैं अगर रिकॉल अच्छे से कर पा रहा हूँ तो कुछ लोग PhD के लिए गए, मतलब दो दो लोग, 3 लोग। बाकी सब लोग सर अच्छा अच्छा जगह प्लेसमेंट हुआ। कुछ लोगों का सर गवर्नमेंट जॉब में हो गया था तो वो प्लेसमेंट में उतना इंटरेस्टेड नहीं थे। बट अच्छी अच्छी कंपनी सर आती है, MNCs लाइक सर एयरबस, अच्छा इटॉन इंडिया, टाटा मोटर्स, अच्छी अच्छी कंपनी सर। मतलब तो सबका ऑलमोस्ट अच्छा अच्छा जगह हुआ है। कुछ लोगों का सर अपना डिसिप्लिन चेंज करने का इंटरेस्ट था तो वो लोगों का सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी सर, जैसे कैपजेमिनी हो गया और उधर जगह भी प्लेसमेंट हुआ, अच्छा हुआ सर। अच्छा निखिल, क्या होता है कि नॉर्मली बच्चा एमटेक में या तो प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर पाता है या फिर वो पब्लिक सेक्टर की जॉब्स के लिए, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कर पाता है। आपने तो दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से किया, हाउ कुड यू मैनेज इट? सर सर अभी एक उसके साथ सर मैं एकेडमिकली सर आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट अप 2020 वैसे। सो एकेडमिकली में भी सर उस टाइम पे फोकस करना था तो सर सारी चीजें मैनेज किया काफी। वहाँ पे पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी रहता है सर और गाइडेंस भी सीनियर्स का रहता है तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम पे ही वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाता है कि क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। और बेसिकली सर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होती है। मतलब एमटेक में प्लेसमेंट के टाइम पे भी बहुत कंपनी, जो मेरा नहीं भी हुआ ऐसा था, बट फाइनली सर एवरीबडी गॉट सिलेक्टेड। वेरी गुड।
अच्छा निखिल, आप इसकी तरफ आते हैं जो हरियाणा में आपका सिलेक्शन हुआ है और इसके इंटरव्यू की तरफ आते हैं, तो इंटरव्यू एक डिफिकल्ट चीज होती है, लेकिन स्टूडेंट अभी उतना अवेयर नहीं है। इनफैक्ट यूरोपीडिया ने एक प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है ऑनलाइन इंटरव्यू का, उसका मेन पर्पज भी यही था, व्हेन वी रियलाइज्ड दैट देयर इज अ यस नीड, सर, एंड रिटन एग्जाम के लिए तो देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, स्टूडेंट जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जाता भी है। लेकिन मेरे को एक मेन गैप लगा निखिल इसमें, जो इंटरव्यू में ना गैप मेरे को रियलाइज हुआ, एंड 4-5 साल पहले मैंने इसके लिए मैराथन भी बनाना स्टार्ट किए, एंड आई रियलाइज कि यस सर, आई हैव सीन दैट स्टूडेंट, सर। यस, एंड आई रियलाइज कि स्टूडेंट क्या करता है कि वो इंटरव्यू तक पहुंचता है इतनी मेहनत करके, फिर अगर 2-4 मार्क्स से छूट जाए तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी साल बाद आए, 1.5 साल बाद आए, यू नेवर नो। सो आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यस यू कि सर, वट इज द रेलिवेंस ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन, एंड हाउ स्टूडेंट शुड बी कॉन्शियस अबाउट इट्स प्रिपरेशन, कि आप इसको तैयारी करके दें। यस सर, सर सर वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, बिकॉज सर मैं स्टेट बोर्ड से हूँ तो उधर थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, एक चीज होता है क्योंकि लैंग्वेज का मतलब सर कम्युनिकेशन स्किल इज समथिंग दैट इज टेस्टेड इन एवरी इंटरव्यू, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर टेक्निकल कॉम्पिटेंसी भी मेजर करता है पड़ता है। तो सर मैं बहुत हैप्पी हूँ कि अभी यूरोपीडिया ने बहुत मतलब डेडिकेटेड चैनल एक स्टार्ट किया है इसके लिए सर, टू रेज दैट अवेयरनेस। सर इंटरव्यू का सर क्या है मतलब मुझे सर पर्सनली जो है, मैं सर इंटरव्यू में बहुत बार बाहर हुआ हूँ तो मुझे तो सर इसका इम्पोर्टेंस बहुत पता है कि क्या मैटर करता है क्या नहीं सर। बिकॉज इसके पहले सर मैं सर 2 बार इसरो में इंटरव्यू दिया हूँ, देयर आई वॉज वेट लिस्टेड, एंड सर 2 बार बार्क में दिया हूँ, और जितनी भी सर तेल की कंपनीज हैं मतलब बीपी सीएल एचपीसीएल उसमें भी इंटरव्यू दिया हूँ। तो इंटरव्यू मार्क्स की वजह से सर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा वो ड्रॉबैक था, मे बी आई वॉज फ्रॉम स्टेट बोर्ड से मे बी बिकॉज ऑफ दैट, बट वो सर लैक करता है स्टूडेंट स्पेशली सर वो मैकेनिकल बैकग्राउंड के जो हम लोग हैं थोड़ा रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट सर। तो इम्पोर्टेंस सर मैं तो यही बोलूंगा कि इधर भी सर जो रिटन में देखा हूँ मैं, अच्छे अच्छे मेरे कई फ्रेंड्स भी दिए थे सर मेरे साथ ही ये एचपीएससी का एग्जाम, तो उनका भी सर रिटेन में बहुत अच्छा मार्क्स था बट इंटरव्यू में समहाउ सर दे लैग्ड, दैट्स व्हाई दे आर आउट ऑफ मेरिट लिस्ट अनफॉर्चुनेटली सर। तो उसका इम्पोर्टेंट तो है सर, बहुत इम्पोर्टेंट सर। ओके, दैट्स ग्रेट। अब निखिल, अगर अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है ना, जो आपने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में हुआ, उसको थोड़ा डिटेल में आप शेयर करें हमारे साथ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होगा बच्चों के ओके लिए। सर, ओके सर, हाँ रिटेन का रिटेन के लिए सर आप जैसा बोल रहे हैं कि बहुत सारा सोर्स मिल जाता है, बट इंटरव्यू के लिए सर मैं थोड़ा लिखा भी हूँ क्योंकि सर मेरा इंटरव्यू 19 सितंबर को था तो थोड़ा टाइम हो गया है। तो सर पहले जाने के बाद तो उधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका रेटिना स्कैनिंग और ये सब फिंगरप्रिंट का स्कैनिंग होता है ताकि आपका अटेंडेंस लग सके, और उसके बाद फिर सर आप वहाँ पे जो चेयरमैन सर हैं वो आके आपको ब्रीफ करेंगे कि व्हाट शुड बी द कोड ऑफ कंडक्ट टू अपियर इन द इंटरव्यू, मतलब कि कैसा क्या ब्रीफिंग देंगे कि आपको अपना नाम नहीं बताना है ताकि पार्शियलिटी ना हो पाए, मतलब नेटिव प्लेस नहीं बताना है। तो ये सब चीज़ों को ब्रीफिंग करने के बाद आपको रेंडमली वो जो आपका पैनल है वो अलॉट होगा सर, कि कोई भी एट रेंडम होता है वो आपको चूज करने का देते हैं, तो ऐसा लॉटरी टाइप होता है। तो आई गॉट सर थर्ड पैनल आई थिंक। उधर सर एंट्री करने के बाद पहले तो ग्रीट करने के बाद सर वो बैठने को बोलते हैं, उसके बाद फिर सर जो चेयरमैन सर होते हैं वो मोस्टली, मैं सर इसके पहले जो यूपीपीएससी का भी इंटरव्यू दिया था पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, तो मैं सर ये रियलाइज किया था कि जो चेयरमैन सर होते हैं मोस्टली वो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछते हैं मतलब जीएस रिलेटेड, और फर्स्ट इंटरेक्शन उनसे ही होता है तो वहाँ पे थोड़ा मतलब अच्छा इंप्रेशन पड़ना ज्यादा जरूरी हो जाता है सर। तो मुझसे तो जो मैं तो सर ये एचपीएससी के लिए भी डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया था अपने सर, वो मैं देख के गया था उसके पहले, और जो टेक्निकल के मैराथन सेशंस होते हैं वो देख के गया था। ऐसा नहीं कि सर उसी में से ही आ जाता है, बट अगर आप प्रिपेयर्ड अच्छे से होकर जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंटरव्यू के लिए। और उसके बाद फिर सर वो जो पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं उसको रिवाइज करने के लिए यूज करके जाना पड़ता है। तो जाने के बाद सर मुझे पहला दो एक दो क्वेश्चन सर नॉन टेक्निकल था, लाइक हाउ मेनी पॉलिटेक्निक्स आर देयर इन हरियाणा और हु इज मिनिस्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो दीज थिंग्स आर कवर्ड इन दिस पीडीएफ। सो उधर मैं उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोल के आगे बढ़ा सर। उसके बाद फिर सर टेक्निकल क्वेश्चंस का के लिए वो लोग रिफर किए,
वो सर इधर यहाँ पे क्या है कि आपको सब्जेक्ट नहीं पूछ रहे थे कोई भी, क्योंकि मुझे लग रहा है जो टीचर थे वो किसी डेडिकेटेड सब्जेक्ट के थे। तो ओके सिंस मैं सर मशीन डिजाइन मास्टर्स ने बताया था उनको, तो वो मशीन डिजाइन से ही क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि व्हाट इज बियरिंग, एंड देन आफ्टर 2-3 क्वेश्चंस वर्बली वो होने के बाद फिर वो बोले कि टेक द मार्कर एंड गो टू द व्हाइट बोर्ड, मतलब उधर था सर व्हाइट बोर्ड, और उधर सर कुछ ड्रॉ करने को बोले कि कैसा क्या प्रोफाइल होता है, मतलब सर जैसे कुछ भी एक व्यू ड्रॉ करने का, मतलब कि इसका टॉप व्यू कैसा होगा, फ्रंट व्यू कैसा होगा, साइड व्यू कैसा होगा, एक 3D ऑब्जेक्ट का, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। फिर और मशीन डिजाइन सर और भी क्वेश्चन कुछ पूछा गया जो मैं नहीं बता पाया, लाइक सर आपको अगर पावर ट्रांसमिट करना है तो बेल्ट का सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो मैं जो कुछ चीजें पता थी कि पावर पता कितना है करना है, किस स्पीड पे करना है, जनरल टर्म सर जैसे पावर एंड स्पीड तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमको चाहिए ही। और ये सब चीजें से डिस्कस करने के बाद फिर दूसरे टीचर थे वो फिर सोम से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए, बेसिक से डेफिनेशंस मतलब कि स्ट्रेंथ क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, और फिर एक टॉर्स टॉर्क का एक सर टॉर्जिनल स्ट्रेस का एक क्वेश्चन पूछा कि अगर मतलब वो सर हॉलो सिलेंडर वो हॉलो हॉलो शाफ्ट के लिए सर कि उसका फॉर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया उसका ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाता है, वो सब चीजों को पूछा सर। इसके बाद फिर सर एक और सर थे वो क्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, मतलब व्हाट इज सिक्स सिग्मा, ऐसा करके सर क्वेश्चन पूछा। तो सर क्वालिटी का मैं बहुत अच्छे से रिवाइज करके नहीं गया था, तो सिक्स सिग्मा और सब चीजों को बताने के बाद मैं बोला कि सर अभी इसको मैं ज्यादा भी नहीं सोच पा रहा हूँ। तो सर ऐसा ऐसा सीखा था उन्होंने सर। आपसे आपकी जॉब के बारे में पूछा निखिल? जॉब के बारे में सर वो मतलब पूछे भी नहीं, मैं बताया भी नहीं सर ओके आपने कि सर इनकम भी नहीं बताया। बहुत सर इंटरेक्शन टोटल 12 to 15 मिनट का ही था। ओके ओके तो निखिल ऐसे कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं सर इंटरव्यू के लिए जो आपको तैयार करके जाना चाहिए टेक्निकल के लिए मैकेनिकल में? बेसिक अंडरस्टैंडिंग यस सर यस सर सर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर सोम, फ्लूड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये सर जो कोर सब्जेक्ट है फ्लूड मैकेनिक्स, इन सबको तो सर अगर क्वेश्चन ना भी पूछा जाए तो भी सर आपको कॉन्फिडेंस के लिए पढ़ के जाना चाहिए सर, अच्छा क्योंकि अब अगर आप कुछ वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे सर। राइट सो निखिल अब वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस एंटायर सेशन। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर कुछ टिप्स आपको बच्चों को देनी है स्पेशली फॉर इंटरव्यू गाइडेंस एंड ऑल कि कैसे अपने आप को आगे लेके जाएं, किस चीज का ख्याल रखें, तो क्या टिप्स देना चाहेंगे आप उनको? सर जो जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं सर, स्पेशली अभी जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, और सर अनफॉर्चुनेटली जिनका नहीं हो पाया है उनको भी बोलूंगा कि कीप दैट फाइटिंग स्पिरिट एंड हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड। और जितने भी सर न्यू एस्पिरेंट हैं मैं उनको यही बोलूंगा कि अभी पहले जितना भी कोर कॉन्सेप्ट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो डेवलप करें, उसमें टाइम लगता है, 1 to 2 ईयर्स यू हैव टू गिव। उसके बाद फिर जितना भी क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का रिवीजन कर सकें करके जाएं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर साबित होगा सर। सो दैट इज द की सर, एंड अगेन फॉर चलो गाइडेंस वी हैव डेडिकेटेड चैनल नाउ सर। थैंक्स अ लॉट निखिल, आपने जो हमें अप्रिशिएट किया, जो आपने हमारे बारे में पॉजिटिव बोला, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट बिकॉज दैट मीन्स अ लॉट टू टीचर्स। नाउ यू आर गोइंग टू बिकम टीचर, सो यू रियलाइज के टीचर्स के लिए ये यस सबसे सर बड़ा सर गिफ्ट होता है जब कोई उसकी टीचिंग को या उसकी मेंटरिंग को अप्रिशिएट करे और उसको पॉजिटिव रिजल्ट डेफिनेटली जिस दिन मिलता है, सो दैट इज द अवार्ड फॉर अस, दैट इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस। आई एम रियली थैंकफुल आपने जो बोला हमारे बारे में, एंड आई विश यू डेफिनेटली ऑल द या सर लास्ट लास्ट थिंग मैं कहना चाहूंगा सर कि ब्यूटी नॉट अप्रिशिएटेड इज सिन सर, सो वी आर डूइंग सर ब्यूटीफुल जॉब, सो दैट शुड बी अप्रिशिएटेड सर। चलो थैंक्स अ लॉट। एंड निखिल आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन दिस नोबल प्रोफेशन। आप बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत अच्छी प्रोफेशन में जा रहे हैं। टाटा इज बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और टीचिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। सो आई वेलकम यू एज अ टीचर इन दैट प्रोफेशन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यस सर।